किसी भी आयत का, किसी भी वीडियो का अचानक आपके सामने आ जाना, कुरान पाक का तर्जुमा आपके सामने आ जाना और वो तर्जुमा ऐसे लगे जैसे आपके हालात के मुताबिक है, जैसे अल्लाह का कोई पैगाम हो, तो इसको इग्नोर ना किया करें, वो अल्लाह के पैगाम होते हैं। उसको ऐसा समझा करें जैसे प्राइवेट मैसेजेस होते हैं ना, कि ये मैसेज मेरे ही लिए है। ये कुरान का मुजज़ा है कि वो हर राह में आपकी रहनुमाई करता है। लेकिन अगर आप समझने वाले हों, अगर आप देखने वाले हों, कुरान पाक में एक आयत है कि आँखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। तो दिल को अंधा नहीं होने देना। जब ऐसी कोई चीज़ सामने आए, कोई तर्जुमा ऐसे सामने आए और आपके हालात से वो मुताबकत रखता हो, तो उसको गौर करें, अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी रज़ा किस में है, ये चीज़ सोचें। जब भी कोई वीडियो आपके सामने आती है, जब भी कोई आयत आपके सामने आती है, जब भी कोई तर्जुमा आपके सामने आता है, उसका मतन और उसका मफहूम समझें और देखें कि आपको अपनी ज़िंदगी किस तरफ लेके चलनी है। हो सकता है कि उस वक्त अल्लाह ताला आपको फरमा रहे हों कि सब्र करो, हो सकता है आपके लिए खुशखबरी होगी, दुआ कबूल होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अचानक नहीं होती, इत्तफाक नहीं होता। जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपके लिए पैगाम पहुँचाता है, लेकिन आप उस पैगाम को समझते नहीं हैं, आप समझते ही नहीं हैं कि हाँ मेरी दुआ कबूल होने वाली है, मेरा सब्र का फल मिलने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स सब्र करे और उसको उसका फल ना मिले? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स सब्र करे और अल्लाह ताला उसको उसका इनाम ना दे? नामुमकिन सी बात है ना कि सब्र भी किया और इनाम नहीं मिला, क्योंकि आप उस रब से मांग रहे हैं जिसकी अहाता है कुदरत में हर शय है। तो आपकी ज़िंदगी क्या है? अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत रखी है, बड़ी खूबसूरत बनाई है, आपने ख़राब की है। आपको, आपने भरोसा छोड़ दिया अल्लाह पर। आपको छोड़ना तो नहीं चाहिए था, आपका रब तो तमाम जहानों का बादशाह है, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगा कि नहीं, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, शायद ये मामला ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब कुछ होता है, लेकिन वक्त पर वक्त दें, ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ के गुजारें। जो चीज़ आपने हासिल करनी है उसको, उसके लिए कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर सारी ज़िंदगी 50 साल तक मांगे नहीं मिलेगा।